नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज़ 24 पर। खबर बिहार से, जहां पर दुर्गा पूजा घूमने गए लोग अचानक से बीमार होने लगे। शिकायत इस बात की कि समोसा और जलेबी खाने की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिसमें अभी तक दो लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग बीमार हैं। इस पूरी खबर के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। बिहार के अरवल जिले में बड़ा हादसा हो गया है। यहां दुर्गा पूजा मेले में समोसा जलेबी खाने की वजह से दो दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। अभी तक दो लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। आपको बता दें कि समोसा खाकर कई गांव के लोग जो हैं वो अचानक से बीमार होने लगे, जिसके बाद उन्हें मंगलवार की शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी लोगों का इलाज जो है स्थानीय सदर अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है। सभी लोग अरवल जिले के उलदास बाजार वलीदाद और रोहाई गाँव में मेला देखने के लिए गए थे। उलदास के दुर्गा पूजा मेले में विषाक्त भोजन खाने से पिता पुत्र की मौत हो गई। वहीं दर्जनों लोग विषाक्त भोजन खाने से जो हैं वो बीमार हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआत में डॉक्टरों को लगा कि वो लोगों का इलाज कर जल्दी से ही उन्हें रिकवर कर लेंगे, लेकिन दो मरीजों की इसमें जान चली गई। मिल रही जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर रात से सदर अस्पताल में विषाक्त भोजन खाने से बीमार लोग आने लगे। बुधवार की सुबह 10 बजे तक इनकी संख्या 26 हो गई। आशंका जताई जा रही है कि वक्त गुजरने के साथ और भी मरीज सामने आ सकते हैं। कई लोगों के दूसरे अस्पतालों में भी इलाज चलाने की चर्चा है। बीमार लोगों में करपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केशेश्वर विघा गांव, बजीतपुर और बारा रोहाई के निवासी शामिल हैं। सुबह इलाज के दौरान दो लोगों की मौत हुई है। मृतकों में बाबूलाल बिंद, जिनकी उम्र करीब 40 साल है, जबकि गौतम कुमार 8 साल के हैं। दोनों पिता और पुत्र हैं। बीमार लोगों में 9 छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। कुछ महिलाएं भी हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। अब तक दो लोगों की मौत हुई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के इटावा गांव निवासी 45 वर्षीय लाल बाबू बिंद की मौत उनके घर पर हो गई। वहीं उनके 8 वर्षीय पुत्र गौतम कुमार की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। वहीं मृतक के परिवार ने बताया कि मंगलवार को उलदास बाजार में नवमी मेला देखने पिता पुत्र गए थे। वहां घर पर छनाव व लिट्टी खाने के बाद ही लोग निकले थे, जबकि रात में दोनों की तबीयत अचानक से खराब हो गई। बच्चों को लेकर परिवार के लोग अस्पताल गए, तब तक घर पर पिता की मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इधर करपी प्रखंड के रोहाई गाँव में दुर्गा पूजा मेले में जो है तला हुआ ब्रेड जलेबी आदि खाने से खेदेऊ बिघा गाजीपुर गुलाब सिंह के इंग्लिश बारा रिहाई सहित आसपास के आधा दर्जन गाँव के 14 बच्चों समेत 26 लोग सदर अस्पताल में फूड पॉइजनिंग का शिकार होने के बाद भर्ती हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अरवल तथा करपी प्रखंड के दर्जनों गाँव में कई लोग विषाक्त भोजन के शिकार हुए हैं और उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अस्पताल के उपाधीक्षक रमन भट्टाचार्य के मुताबिक बच्चों की मौत अस्पताल में हुई है। सबको सांस लेने में समस्या थी। बहुत से लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार होकर के अस्पताल में आए थे, जिसमें अधिकतर बच्चे हैं। अस्पताल में फूड पॉइजनिंग के शिकार आए मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सभी की स्थिति अभी में सुधार है। तो समोसा और जलेबी खाने की वजह से बिहार के अरवल में दो लोगों की मौत हो गई है और करीब 2 दर्जन लोग अभी भी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।